हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज देखिए, मैं आपको कुछ और हैंगिंग बास्केट्स के प्लांट्स दिखा रही हूँ। और देखिए, ये सबसे पहले मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो है बिगोनिया। अब क्योंकि हम विंटर्स आने वाली हैं, तो बिगोनिया हैंगिंग बास्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। एक थोड़ा सा डार्क पिंक है और एक ये लाइट कलर का पिंक है। अगर छोटी बास्केट में है तो एक प्लांट लगाइए, अगर थोड़ी सी बड़ी है बास्केट तो आप दो प्लांट भी लगा सकते हैं। दोनों के बीच में 3-4 इंच का मैंने डिस्टेंस दी है। और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। जब इसके थोड़ा सा प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको कटिंग करके भी इसको लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये पेनीवॉर्ट का है। ये पेनीवॉर्ट भी बहुत सुंदर लगता है। ये वैसे तो ये एक्वेटिक प्लांट होता है, लेकिन हम इसको सॉइल में भी लगा सकते हैं। बस इसका खास ख्याल ये रखना है कि ये हमेशा गीला होना चाहिए, पानी इसके अंदर मिट्टी में भरा हुआ होना चाहिए हमेशा, तो ये कभी भी ड्राई ना होए। अगर ड्राई होएगा तो ये मर जाएगा। हल्की हल्की धूप आती है वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। और इसकी लीव्स देखिए कितनी सुंदर है, और बड़ी सिल्की लीव्स है, ये बड़ी शाइन है इसमें देखने में लीव्स में। फिर है ये सिंगोनियम, पिंक कलर का सिंगोनियम है ये। और पिंक कलर का सिंगोनियम भी हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये कलर ब्रेक कर देता है। अगर आपके सारा कोई ग्रीन कलर है, ग्रीन के साथ में आप ये थोड़ा पिंक कलर का लगाएंगे तो ये कलर ब्रेक करने में भी अब हमारे गार्डन में हेल्प करता है। और ये बहुत सुंदर लगता है, और ये भी बड़ा इजीली ग्रो जाता है। कहीं से भी आप इसका एक छोटा सा ये निकाल के लगाएंगे तो ये वहाँ से ग्रो करने लग जाएगा। इसके बाद वाला जो प्लांट है वो है ये लालसा का। ये देखिए, ये बड़ा लाल पत्तियों वाला है। ये ज़्यादातर हेजेस वगैरह में लगता है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी कलर ब्रेक करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। और इसकी भी कटिंग्स लग जाती है। बस इसको यहाँ से आप कहीं से भी आप कटिंग कर दीजिए और इसको मिट्टी में लगा देंगे तो ये ग्रो कर जाएगा। इसके बाद है ये देखिए, मेरा ऑल टाइम फेवरेट जेट का प्लांट। काफ़ी बड़े बड़े हो गए और इसको मैं अब जो है कटिंग करके इसको दूसरे में लगा दूँगी। सकुलेंट का पौधा है जो मेरा काफ़ी टाइम से मैंने इसको लगाया हुआ है हैंगिंग बास्केट में। ये देखिए कितना सुंदर लगता है। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, इसमें ये दोबारा से इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। ये भी बहुत इजीली कटिंग से ग्रो कर जाता है। यहाँ से बस आपको काट काट के इसके पीसेस को आप लगा दीजिए कहीं पर भी और ये ग्रो कर जाए। अब काट के नहीं भी लगाएंगे, आप ऐसे भी मिट्टी में छोड़ देंगे तो ये अच्छे से ग्रो हो जाए करेगा। वॉन्डरिंग जूस तो मैंने आपको लास्ट टाइम आपको दिखाया था। ये भी हैंगिंग बास्केट का ही पौधा है। इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये कहीं से भी आप कटिंग इसकी मैंने भी लगाया हुआ है ये कटिंग से, तो कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें देखिए हमेशा छोटे छोटे फूल खिलते रहते हैं। देखिए अभी भी खिला हुआ नज़र आ रहा होगा, देखिए रेड कलर का। रोज़ भी बहुत अच्छा है और हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। ये बर्ड्स बहुत आ रही है अभी इसमें, और ये भी बहुत ही इजली कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग्स लगाई है। जब भी आप कटिंग्स लगाएं तो किसी भी बास्केट में तो कई सारी कटिंग्स लगाइए। तो देखिए, ये थे आज के लिए हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स। तो इसको हल्की हल्की धूप में आप रखिए, जहाँ पे 3-4 घंटे की या 2-1 घंटे की लाइट आती हो, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं होनी चाहिए। हाफ कंपोस्ट डाली है और हाफ मैंने मिट्टी और कोकोपीट और परलाइट डाला है थोड़ा। ये देखिए सॉइल को थोड़ा सा, क्योंकि लाइट बनाने के लिए, क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट है इसलिए इसकी जो ये बास्केट है ये हैवी नहीं होनी चाहिए। तो यही था। अब जब ये पानी की कमी हो तभी पानी डालिए, एक्सेप्ट इसके, इसमें तो हमेशा हर समय पानी होना चाहिए, लेकिन बाकी सब जो प्लांट्स हैं उनमें जब पानी की ज़रूरत आपको महसूस होए आप पानी, तब अच्छे से पानी दीजिए इनको। लालसे के पौधे में भी गीली मिट्टी रहनी चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए इसकी। तो यही था आज के लिए, वो प्लांट जो कि हम पार्शियल सनलाइट में लगा सकते हैं
और जिनको हल्की धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए यही था, होप आपको मेरा ये वीडियो, मेरे ये प्लांट्स पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।